देखें एक्सप्रेस न्यूज भारत और अब खबरें फटाफट का। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को नहीं मिली सांगरौली में रैली की इजाजत, करेंगे रोड शो। अरविंद केजरीवाल निकले मध्य प्रदेश तो मनोज तिवारी ने साधा निशाना, बोले अपराधी कानून से दूर भागता है। एकनाथ शिंदे ने बुलाई महायुक्ति दलों की बैठक, सभी सांसद और विधायक होंगे शामिल। सूचना मंत्रालय ने एप्पल को भेजा नोटिस, कहा अटैक का सबूत पेश करे कंपनी। भूटान के छात्रों के लिए असम के मेडिकल कॉलेजों में सीट रिजर्व, कैबिनेट ने लिया फैसला। पीएम मोदी की चुनावी सभा के दौरे, नक्सलियों की कायराना करतूत, तीन ग्रामीणों को उतारा मौत के घाट। राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे को ईडी का समन, कथित पेपर लीक केस से जुड़ा है मामला। भाजपा का साथ छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई साध्वी आनंदी सरस्वती, सीएम अशोक गहलोत ने ग्रहण करवाई पार्टी की सदस्यता। संबल में स्कूली वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान शुरू, पहले दिन तीन का चला। हरदोई के शाहबाद में सीएम योगी ने गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां, बोले महिलाओं को किया जा रहा सशक्त। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ छेड़खानी के विरोध में बड़ी संख्या में प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे छात्र। 50 दिन में मोनू मानेसर की तीन जेल बदली, फ्री में केस लड़ रहे वकील, बोले धर्म के काम में पैसे नहीं लेता। गाजा में भारतीय मूल के इजरायली सैनिक की मौत, हमास का सुरक्षा घेरा तोड़, गाजा शहर में घुसी सेना, जवालिया में 195 फिलिस्तीनी मारे गए। मराठा आरक्षण को लेकर 14 दिन में 27 की मौत, प्रदर्शनकारियों ने थाने में सीएम और डिप्टी सीएम के पोस्टर पर काली फूंकी। महुआ बोली रिश्तों की खटास ने विवाद उठाया, एथिक्स कमेटी की पूछताछ जारी, महुआ का अकाउंट दुबई में 47 बार लॉग इन हुआ। अदील अहमद गैंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, गैंग की जांच करेगी ईडी, मुख्यालय की एसटीएफ, केस सौंपा गया। गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल से मिले मुख्यमंत्री धामी, साबरमती आश्रम में चलाया चरखा। 5000 मीटर दौड़ में हिमाचल की उड़न परी सीमा ने जीता स्वर्ण पदक, परिजनों में खुशी की लहर। कपूरथला मंडी में 5 दुकानों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंजाब में भीषण हादसा, ट्रक और तेल टैंकर के बीच किसी कार, एक बच्चे समेत 6 की मौके पर मौत। करनाल और चंडीगढ़ के युवाओं की अग्निवीर के लिए दौड़, कैमरों की निगरानी में पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। फतेहाबाद में चोरी की बड़ी वारदात, बदमाशों ने ज्वेलर्स व हेयर सैलून की दुकान को बनाया निशाना, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। कांग्रेस में भगवा की एंट्री, मां आनंदी सरस्वती ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा, अजमेर नॉर्थ से मिल सकता है टिकट। ईडी अधिकारी नवल किशोर मीणा पर 15 लाख रुपए रिश्वत लेते का आरोप, राजस्थान एसीबी ने किया गिरफ्तार। केंद्र सरकार को बड़ा झटका, हुसैनाबाद को अलग जिला बनाने की मांग को लेकर एनसीपी विधायक ने वापस लिया समर्थन। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।